जेल की जिंदगी ने राम रहीम और हनीप्रीत का क्या हाल कर दिया, चलिए हम आपको बताते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम और उसकी चहेती हनीप्रीत दोनों जेल में हैं और देखिए दोनों का क्या हाल हो गया। नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में है और हनीप्रीत अम्बाला सेंट्रल जेल में। दोनों को जेल में काफी समय हो गया है और दोनों को अब जेल की आदत भी पड़ गई है। जेल में रहते हुए राम रहीम बाइबल पढ़ रहा है। बैरक में डेरा मुखी चुपचाप बैठा रहता है और देर रात तक घूमता रहता है। दिन में कई घंटे की मजदूरी भी करता है और उसे 20 रुपए मजदूरी मिलती है। राम रहीम जब जेल गया था उस समय उसका वजन 105 किलो था, अब उसका वजन काफी कम हो गया है। बाबा को कैदियों वाली वर्दी दी गई है। वह अनुशासन में रहते हुए काम करता है और सभी से अच्छा व्यवहार भी करता है। बाबा को अभी तक जेल में सब्जियां उगाते हुए देखा गया है। जेल में आने से लेकर अब तक कई बार परिवार के लोग मिलने आ चुके हैं। राम रहीम को जेल में 8 महीने हो चुके हैं और उनकी दाढ़ी और बालों का रंग भी बदल गया है कि 8 महीनों में दाढ़ी और बाल ग्रे रंग के हो गए हैं। जेल प्रशासन राम रहीम के खाते में हर महीने 5000 रुपए जमा कराता है, जिससे वह जेल की कैंटीन से फल और समोसा जैसे स्नैक्स खरीदता है। राम रहीम के खिलाफ अब 2 हत्या मामलों की सुनवाई चल रही है। दूसरी ओर जेल के अंदर हनीप्रीत अकेले रहना पसंद करती है। अब वह भजन कीर्तन नहीं करती। शुरू में उसे जेल का खाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वह इसे आराम से खा लेती है। कई बार उसका चेकअप भी किया जाता है। वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती, क्योंकि हनीप्रीत अभी 4 दिन कैद है तो वह अपने कपड़े खुद ही धोती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।